So welcome to MindSpine tutorials. We are seeing the topic digestion and absorption. This is a part 2 of this chapter, and in this video we are going to start with the question number 33. So let's get started. Statement here is, which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease? कौन सा यहाँ पर fat soluble vitamin है और उसकी related deficiency disease यहाँ पर कौन सी है? रेटिनॉल के साथ जीरोप्थैल्मिया नाम की डिजीज़, कोबाल्मिन, बेरीबेरी, कैल्सीफेरॉल, पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें है रेटिनॉल का जीरोप्थैल्मिया। जो रेटिनॉल होता है उसका दूसरा नाम विटामिन ए होता है, और जो कैल्सीफेरॉल होता है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, लेकिन पेलेग्रा जो होती है वो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होती कैल्सीफेरॉल की। विटामिन ए जो होता है उसको हम मैमल्स और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उसको डाइट में इंटेक करें उसका। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रीकर्सर्स पाए जाते हैं विटामिन के, जैसे कि नोटेबली हम कहें तो कैरोटीन्स जो होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए के अंदर, जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है और लिवर होता है उसकी मदद से। तो एक तरह से हम जो कैरोटीन्स खाते हैं वो विटामिन ए में चेंज हो जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल और लिवर की मदद। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक जरूरी और भी है कि जो अल्डिहाइड डेरिवेटिव होते हैं विटामिन ए के, जिसको रेटिनल कहा जाता है, RETINAL, रेटिनॉल नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पर, रेटिनल कह रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विजुअल पिगमेंट, जिसको रोडोप्सिन कहा जाता है। रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसका एक पार्ट होता है ये। तो डेफिशिएंसी जो होती है इसकी वो अफेक्ट करती है आइज को, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है, जिसमें जीरोप्थैल्मिया में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आँखें होती है, जो कॉर्निया होता है आँखों का, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, वो सूखने लगती है और थोड़ा सा जो कॉर्निया है वो मोटा होने लगता है, थिक होने लगता है। तो इवेंचुअली वहाँ पर होता है कि वहाँ पर टोटली ब्लाइंडनेस आ जाती है। पेलेग्रा का भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 की वजह से होता है, और जो निकोटिनिक एसिड होता है या फिर नायासिन होता है उसी को हम विटामिन B3 कहते हैं। कोबाल्मिन जो होता है और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, पहले एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम भी देख लेते हैं, विटामिन सी होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो कोबाल्मिन और विटामिन सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो कि जनरली एक साथ ही पाए जाते हैं हर तरह के फूड्स के अंदर। एक्सेप्शन उनका ये रहता है कि जो B12 होता है उसको कोबाल्मिन कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग चीज़ थी। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होती है कोबाल्मिन और विटामिन सी और कैल्सीफेरॉल की, वो कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कोबाल्मिन जो होता है वो पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है, अगर उसकी कमी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए बॉडी में, तो स्कर्वी नाम की डिजीज़ होती है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जो कि चिल्ड्रन में ज़्यादातर कॉमन होती है, और ऑस्टियोमलेशिया और जो होता है वो एडल्ट्स के अंदर कॉमन होता है। तो रिकेट्स चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। बेरीबेरी की अगर डेफिशिएंसी होती है, सॉरी बेरीबेरी डिजीज जब होती है, अगर विटामिन B1 जो होता है जिसको हम थायामीन भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, ताकि यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन। जब एग्जामिनेशन किया जाता है एक ब्लड का किसी पर्सन का, जो कि सस्पेक्टेड था कि उसको एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो उसमें पाया गया कि उसके अंदर लार्ज इमेच्योर और न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स, यानी उसके जो RBCs उसमें न्यूक्लियस आ चुके हैं और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिविएट हिज सिम्टम्स। तो हम क्या करें उसकी डाइट में, जिससे कि उसके जो सिम्टम्स है, उसको ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। तो ऑप्शन है आयरन कंपाउंड्स, थायमीन, फॉलिक एसिड, कोबाल्मिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े से कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहले मैं इसका सही आंसर बताती हूँ, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फॉलिक एसिड और कोबाल्मिन। अब क्या होता है यहाँ पर, जो इसका केस होता है कुछ इस तरह से होता है कि एनीमिया एक डिजीज़ नहीं होती, वैसे वो एक प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली क्योर हो जाती है। तो ये एक सिम्टम होता है जिसमें वेरियस डिजीजेस शो की जाती है, जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, डिक्रीज्ड ब्लड सेल फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ों में पाई जाती है। फॉलिक एसिड जो होता है वो पार्ट होता है कोएंजाइम्स का, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और ये साथ में एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ RBCs। तो फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, RBC का फेलियर हो सकता है, वो मैच्योर नहीं होंगे, वहाँ स्क्रूइंग हो जाएगी। विटामिन B12 की बात करें तो, जिसको B2 की कहना चाहिए, विटामिन B12 भी कह सकते हो उसको, तो साइनेको बेलामिन
ऑक्सीडेशन कहा जाता है उसको, वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की के लिए, और फिर वो एसेंशियल भी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड माइलिन फॉर्मेशन। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से पर्निशियस जो इंजूरियस एनीमिया होता है, मालफॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर था वो सी ऑप्शन था कि अगर उस इंसान को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको फॉलिक एसिड को सप्लीमेंट्स देंगे और कोबालमिन के देंगे। तो 34 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, दे आर सिक्रेटेड इन पाइलोरिक स्टमक, ईलियम, ड्यूडेनम, ईसोफेगस। अब इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह, पहले तो यहाँ सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा क्योंकि जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पर सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन होता है। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं वो ड्यूडेनम के रीजन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो ब्रूनर्स ग्लैंड ही होते हैं जो कि दो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जो कि सिक्रेटिन होता है और कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। सिक्रेटिन जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय द सेल्स जो कि ड्यूडेनम के होते हैं, लेकिन वो जब ही सिक्रीट कर सकते हैं जब वो एक्सपोज हो जाएंगे एसिडिक कंटेंट्स के ऑफ द एम्प्टिंग स्टमक। जब स्टमक एम्प्टी होने लगता है तो कहना चाहिए वो एसिड रिलीज करेगा, तो वो जो एसिड है जब उसका सिक्रीशन होगा तो उसी टाइम पर ड्यूडेनम के अंदर भी इस सिक्रेटिन का सिक्रीशन होता है। और ये जो सिक्रेटिन होता है ये स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास को, और फिर वो सिक्रीट करने लगते हैं बाय कार्बोनेट्स को जिसको पेनक्रियाटिक फ्लूइड के अंदर सिक्रीट किया जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी अभी तक वहाँ पर बनी थी वो न्यूट्रलाइज होने लगती है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स में, क्योंकि जब एसिड आएगा तो वहाँ उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, तो बाइकार्बोनेट आयन्स जो होंगे वो उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन की बात करें जिसको CCK शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो ये मिक्सचर होते हैं पेप्टाइड्स के और ये सिक्रीटेड होते हैं सेल्स जो होते हैं ड्यूडेनम के वहाँ से, और ये एक्सपोज होते हैं हर तरह के फूड को। जब गॉल ब्लैडर को देखा जाता है तो ये गॉल ब्लैडर को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और वो अपने जो कंटेंट्स होते हैं जैसे कि बाइल जो होता है, बाइल जूस जिसको हम कहते हैं, उसको इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट कर देता है। और पेनक्रियास को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो वो रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनटू पेनक्रियाटिक फ्लूइड। तो CCK एक तरह का वेगल न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है। सो वेगल न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है जिसकी वजह से काइनिन जो होता है वो वेगल न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है उसके अंदर एक सेटाइटी सिग्नल आ जाता है कि ये जो खाना है वो इनफ हो चुका है आज के लिए। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस पिनोसाइटिक वेसिकल्स, माइक्रोविलाय, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, फेगोसाइटिक वेसिकल्स। तो यहाँ जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय काउंटलेस माइन्यूट कहना चाहिए, हम पहले इसको टिक भी करते हैं। तो माइक्रोविलाय जो होते हैं वो काउंटलेस माइन्यूट क्लोजली सेट प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फ्री सरफेस जो होता है म्यूकोसल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन का वहाँ पाए जाते हैं, और करीब करीब 500 माइक्रोविलाय जो होते हैं हर सेल के ऊपर पाए जाते हैं। और ये मेंट इसका जो रीजन रहता है ये क्यों प्रेजेंट रहते हैं, तो वो इंक्रीज करते हैं जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का उसको। और जो पिनोसाइटिक वेसिकल्स होते हैं अगर उनकी भी बात यहाँ की जाए तो वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें वो इनटेक करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। फेगोसाइटिक वेसिकल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इनगल्फिंग ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, और जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स उनके अंदर फिल्ड रहते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में उनके अंदर रहते हैं। तो साथ में हमने उसको दूसरी चीजें भी डिस्कस करी लेकिन सही आंसर यहाँ पर माइक्रोविलाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम। कब किसी इंसान को मीट, लेंटिल्स, मिल्क और एग खाने को कहा जाएगा, स्कर्वी, रिकेट्स, क्वाशियोरकर या फिर एनीमिया। तो सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर नाम की जो डिजीज होती है वो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और मीट की वजह से होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको मीट, लेंटिल्स, मिल्क और एग्स जो रिच फूड होते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स वाले होते हैं उनको फीड करना होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, तो वहाँ सिट्रस फ्रूट, टमेटोज, पेपर्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी जाती है। वहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो होती है उसके लिए सोर्सेस मिल्क, एग योक, लिवर, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी, और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया किस वजह से होता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की तो एनीमिया होता है। इसके सोर्सेस होते हैं ईस्ट, लिवर, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो विटामिन B12 होता है वो उसके अगर सोर्सेज यहाँ पर वो भी देख लेते हैं तो लिवर, एग्स, मीट, फिश, और आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो एग योक और स्पिनच जो होता है स्पिनच उसको की सलाह दी जाती। तो यहाँ जो सही आंसर था बी ऑप्शन था।
विच ग्रुप ऑफ द थ्री ऑफ द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट्स, वन से फाइव स्टेटमेंट्स हमारे पास, कंटेन ऑल थ्री करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेरी बेरी। तो हमें यहाँ से तीन करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने होंगे बेरी बेरी के लिए। तो सबसे पहला है, क्रिपलिंग डिजीज प्रिवेलेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायमिन विटामिन B1, अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन द डाइट इज परसिस्टेंटली डिफिशियंट इन एसेंशियल प्रोटीन, अकर्स इन दोज कंट्रीज वेयर द स्टेपल डाइट इज पॉलिश्ड राइस, द सिम्टम्स आर पेन फ्रॉम न्यूराइटिस, पैरालिसिस, मसल्स वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव इडिमा, मेंटल डिटोरिएशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर। तो ये जो पाँच पॉइंट्स हैं वहाँ से, सॉरी, तो हमें यहाँ से तीन का सेट चूज करना है। तो यहाँ जो सबसे सही था उधर वाले स्टेटमेंट्स में भी मैं आपको शो कर, तो यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, हम उसको यहाँ टिक करेंगे कि ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि लैक ऑफ थायमिन विटामिन B1 की वजह से होती है। दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ सही है वो ये है कि ये अकर करती है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर स्टेपल डाइट जो है वो पॉलिश्ड राइस है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस के ऊपर फीड अप किया जाता है। फिफ्थ है यहाँ पर जो सिम्टम्स रहते हैं इसके, वो होते हैं न्यूराइटिस, पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव इडिमा, मेंटल डिटोरिएशन और फाइनली हार्ट फेलियर। तो ये भी उसी का पॉइंट है। तो 2, 4 और 5 जो है वो इस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है कि जो बेरी बेरी होती है वो विटामिन B1 की वजह से होती है, हम उसको पूरा रिवाइज यहाँ करेंगे। ये ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें पेन जो होता है न्यूराइटिस के फॉर्म में आता है, पैरालिसिस वहाँ पर हो जाता है, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, इडिमा उसको होता है पेशेंट को, मेंटल डिटोरिएशन होता है और उसका हार्ट फेलियर होता है। ये ऐसी कंट्रीज़ में होता है जैसे कि जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स होती है, आंध्र प्रदेश जैसे कि AP, जहाँ पर जो डाइट रहती है वो बेस्ड होती है पॉलिश्ड राइस पर, जिसके अंदर थायमिन रिच सीड कोट एब्सेंट होता है। तो पॉलिश राइस में यह हमें पता होना चाहिए थायमिन रिच सीड कोट एब्सेंट होता है। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस करा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर गोट्स लिवर एंड स्पाइरुलिना, चॉकलेट एंड ग्रीन ग्राम, राइस एंड हेंस एग, कैरेट एंड चिकन्स ब्रेस्ट। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गोट के लिवर और स्पाइरुलिना का ही यहाँ पर होता है। स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरियम होता है और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा रिच होती है विटामिन B12 के अंदर, और इसके दूसरे सोर्सेज भी हो सकते हैं जैसे एग्स, मीट और फिश एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रीट टू हॉर्मोन्स कॉल्ड काइनेज, इस्ट्रोजन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, प्रोलैक्टिन, पैराथॉर्मोन, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरोन। अभी इससे पहले हमने डिस्कस करा था यही क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। इसके लिए अभी हमने जो 35th क्वेश्चन था उसके अंदर इसके बारे में देखा था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पर। 31, which one of the following pairs is not correctly matched, यहाँ पर से कौन सा गलत मैच्ड है, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, B6 कॉन्वल्जेंस, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B2 पेलेग्रा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जब B2 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज देखने को मिलती है, लिप्स जो होते हैं वो सोर हो जाते हैं, स्किन डिजीजेस होती है, पेलेग्रा के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है निकोटिनिक एसिड की, जिसको विटामिन B3 भी कहा जा सकता है, और ये कैरेक्टराइज्ड होता है कि इसमें जो फीचर्स होते हैं इसके खासतौर पर डर्मेटाइटिस होते हैं कि स्किन इन्फ्लेमेशन यहाँ पर आ रहा है, डायरिया आ जाता है, डिमेंशिया आ जाता है, जिसमें नर्वस डिसऑर्डर कहलाता है। तो विटामिन B2 जो था उसका ये पैलेग्रा सही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर कौन से फिर से सही नहीं है, तो सी स्कर्वी सही है, विटामिन B2 पैलेग्रा ये अभी हमने देखा था तो गलत है, ये विटामिन B2 पैलेग्रा के ऊपर नहीं आता। विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया सही है और विटामिन B6 बेरी बेरी। तो यहाँ जो दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं वो B2 और B6 वाले हो गए, बी और डी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ 43rd क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर लगातार फास्टिंग की जाए तो क्या कंसिक्वेंसेस हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बॉडी के रहेंगे, तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट्स एंड लास्टली प्रोटीन्स, फर्स्ट फैट, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड लास्टली प्रोटीन्स, पहले कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, किस तरह से वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूजिंग अब शुरू होगा, तो यहाँ उसका पूछा गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है, जो पहले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं, उसके बाद फैट्स की तरफ बढ़ती है बॉडी और फिर लास्ट में प्रोटीन्स की तरफ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ईजीली प्रोड्यूस कर देता है एनर्जी को, तो इसलिए उनको शुरुआत में लिया जाता है, प्रोटीन उसके बाद आता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सिंपलर पाथवे की तरफ एंटर करते हैं, जैसे कि TCA साइकिल जो होती है उसके अंदर एंटर करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखें बॉडी के, तो सभी करीब करीब फास्टिंग के दौरान यूज़ हो जाते हैं,
और फिर उसके बाद वो फैट्स जो होते हैं, फैट्स जो वो भी कन्वर्ट होने लगते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और जब सारे जो फैट्स होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन्स बचते हैं बॉडी के, जिसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और फिर उनमें से भी एनर्जी का यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 44th में स्टेटमेंट है यहाँ पर, स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसे उसे व्हाइटिश ग्रे कलर के स्टूल्स हैं, पैनक्रियास, किडनी, स्प्लीन या फिर लिवर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लिवर, क्योंकि जो पिगमेंट होता है येलोइश पिगमेंट स्टूल का, वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से होता है, और ये जो प्रेजेंट पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर, जो कि लिवर सिक्रीट करता है। तो इसी वजह से वहाँ पर येलोइश ब्राउन कलर जो होता है वो स्टूल में परसिस्टेंट रहता है, और वहाँ जो मेलफंक्शन होता है अगर लिवर का, तो उसकी वजह से यहाँ पर व्हाइटिश ग्रे स्टूल की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड एज प्रोटीएजेस, हाइड्रोलेजेस, अल्फामाइलेजेस, परऑक्सीडेजेस। तो सही आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका है प्रोटीएजेस। स्टमक का लो पीएच जो रहता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एचसीएल हो सकता है, प्रोटीएज एचसीएल हो सकता है, और प्रोटीएज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लो पीएच के अंदर, तो वो स्टमक में ही होता है। अमाइलेज जो होता है वो एक तरह का स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक के अंदर नहीं हो पाता है। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस हो गया, परोक्सीडेज हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, परोक्सीडेज की बात की जाए तो एक तरह का आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है जो कि मेनली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स और मिल्क के अंदर। तो ये कैटलाइज करता है डिहाइड्रोजिनेशन को, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन ई। तो सही आंसर यहाँ पर विटामिन के है। विटामिन के जो होता है वो नेसेसरी होता है, जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन की अगर बात की जाए तो प्रोथ्रोम्बिन लिवर के अंदर फॉर्म होता है, प्रोथ्रोम्बिन, हम यहाँ नोट भी कर देते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन लिवर में बनता है, और साथ में एक रिक्वायर्ड फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बाकी के भी यहाँ डिस्कस करें, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया और रिटार्डेड ग्रोथ प्रॉब्लम आती है। विटामिन बी की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो बेरी बेरी, पेलेग्रा, एनीमिया जैसी बीमारियाँ होती है। और विटामिन ई की कमी हो जाए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए थायमिन। करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसकी वजह से प्रिवेंट करता है, कह सकते हैं हम, ब्रेकेज ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं उनको, जैसे हमने अभी ऊपर ही डिस्कस करा था कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। तो फिर ये करता क्या है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका ब्रेकेज होने से रोकता है, और एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को ऑफ सर्टन मटेरियल्स, और कुछ ऐसे चीज़ें जो कि नॉर्मल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उन्हें भी ये मेंटेन कर लेता है। विटामिन डी और विटामिन ए को अगर देखें तो उन दोनों को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल लिखना था इन्हें, और दूसरी चीज़ जो विटामिन ए है उसको यहाँ पर रेटिनॉल लिखना था, तो ये फिर सही होता। तो ये यहाँ पर मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, एसेंशियल अमीनो एसिड इज फिनाइल एलेनिन, एस्फार्टिक एसिड, ग्लाइसिन या फिर सेरीन। तो सही आंसर ए ऑप्शन होगा, फिनाइल एलिनिन। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमें हमारे फूड के अंदर लेना होता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। टोटल यहाँ 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से ग्लाइसिन, एस्फार्टिक एसिड, सेरीन जो होते हैं वो पूरी तरह से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और 7 में आते नहीं है वो। और इसका ये भी रहता है कि जो ग्लाइसिन, एस्फार्टिक एसिड और सेरीन है उसको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉन एसेंशियल कह दिया तो इसका मतलब हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फूड शुड बी ईटन ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन इन आइज़। अगर आंखों में रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या खाना चाहिए, कैरेट, राई पपायास, गुआवा बनाना, मैंगो पटेटो, नन ऑफ दी अबव। तो ए ऑप्शन सही है, कैरेट और राई पपायास उसको खाना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन ए से रिच होते हैं तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। और जो डेफिशिएंसी होती है वो मेनली विटामिन ए की वजह से यहाँ पर होती है। कैरेट और राई पपायास जो होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के, और उसको खाने से रोडोप्सिन ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाई दी एक्शन ऑफ रेनिन, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, अमाइलेज या फिर इन्वर्टेज। तो सही आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि स्टमक सिक्रीट करता है, और वो हाइड्रोलाइज करता है सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन के अंदर, और जो वे प्रोटीन होता है पैरा कैसीन
वो स्पॉन्टेनियसली प्रेसिपिटेट होता जाता है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के अंदर, जिसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता जाता है और कोएगुलेटेड मिल्क का जो रूप होता है वो देखने को मिलता है। अमाइलेज डिग्रेड जो रहता है वो अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डिग्रेड कर देता है सॉरी, और जो ग्लाइकोजन होता है और दूसरा पॉलीसेक्राइड्स है उन्हें भी अमाइलेज डिग्रेड कर देता है। प्लांट्स के अंदर दोनों ही अल्फा और बीटा अमाइलेज पाए जाते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं और सलाइवा के अंदर होते हैं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, और जो इन्वर्टेज होता है वो सुक्रोज की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ सही आंसर हमने टिक करा था रेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तो है अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटोज, हिज फूड कंटेन्स दी कंपोनेंट सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय सेल्यूलेज, स्टार्च विच इज नॉट डाइजेस्टेड, लैक्टोज विच इज नॉट डाइजेस्टेड, डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक डीएनएस। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक डीएनएस, ये वाली बात यहाँ पर सही है। जो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं उनके अंदर लैक्टोज नहीं पाई जाती और सेल्यूलोज भी नहीं पाई जाती क्योंकि वो हम डाइजेस्ट कर नहीं सकते अगर ह्यूमंस में देखें तो, इसी वजह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों में सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं होता जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च एक मेजर फूड कंपोनेंट होता है जो कि बॉइल्ड पोटैटो में होता है, जो कि माल्टोज के अंदर और आइसोमाल्टोज में टूटता है ड्यू टू सलाइवरी अमाइलेज। और उसके बाद ये भी है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन डीएनए को देखा जाए तो डीएनए भी टूटता है प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स और शुगर में, लेकिन वो कैसे टूटता है बाय पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस सच एज डीएनएस। तो ये यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रेटिन, स्टमक, ईलियम, ईसोफेगस या फिर ड्यूडेनम। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्यूडेनम। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस पे, तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। 53 में है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग, इसमें से कहाँ वो बिलोंग करते हैं। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप है जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिकली सर्व करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम को की तरह। प्लांट और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बी विटामिन को, पर उनके जो डाइट्री सोर्सेस होते हैं अगर हम देखें हम लोगों में जो डाइट्री सोर्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन विटामिन के लिए। विटामिन जो है हम लोग खुद नहीं बना सकते ये वाला, अगर विटामिन बी है तो। और हीट और लाइट जो रहते हैं वो करीब करीब कह सकते हैं विटामिन बी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, B1, B2, B3, पेंटोथेनिक एसिड, B6 और फॉलिक एसिड, बायोटिन, B12। ये सारी चीजें 8 कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और जो पेंटोथेनिक एसिड होता है वो फंक्शन करता है एज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए और सेल रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फॉलिक एसिड फंक्शन करता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स का प्रोटीन के अंदर और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में। तो हम यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं जो जो तरह के होते हैं विटामिन बी, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, PA लिख लेते हैं उसको, पेंटोथेनिक एसिड, फिर B6 होता है, फॉलिक एसिड होता है FA के फॉर्म में, बायोटिन लिख लेते हैं, और B12 होता है, B12 यहाँ बायोटिन लिखा था, बायो करके लिख लेते हैं, तो इससे याद होगा ये 8 होते हैं टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ए जीरोप्थैल्मिया, डी रिकेट्स, के बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 54 में, सी ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि विटामिन के बेरीबेरी बिल्कुल नहीं हो सकता, वहाँ विटामिन बी होना चाहिए था। और बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। विटामिन के की कमी की वजह से हीमोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लगातार ब्लीडिंग होती है अगर इंसान में विटामिन के की कमी हो जाती है, क्लॉटिंग नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक टू लिवर, पल्मोनरी वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन जो सिस्टम होता है वेन्स का जो कि लीड करता है डाइजेस्टिव ट्रैक से कैपिलरीज के फॉर्म में लिवर, जो लिवर है वहाँ से एक वर्टिब्रेट में, उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो अगर हम इसको नॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में तो ऐसे कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ वेन्स लीडिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक टू कैपिलरीज इन द लिवर ऑफ अ वर्टिब्रेट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरी बात, जो एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के एक्सेप्ट ऑफ फैट, वो सीधे के सीधे लीवर के अंदर जाते हैं, फैट को छोड़ के सभी लीवर में जाते हैं और हार्ट में नहीं पहुंचते हैं। तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो कन्वे करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक, और जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो ब्लड को लाती है लिवर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसके बाद हम। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्टमक, ईलियम, ईसोफेगस, ड्यूडेनम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ सही है, ड्यूडेनम। ब्रूनर्स ग्लैंड ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि कन्फाइंड होते हैं ड्यूडेनम तक, वो सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड को जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम को जो कि स्टमक को छोड़ते हैं। और एक लिटल एंजाइम जो रहता है म्यूकस होता है वो भी इसमें सिक्रीट करने का, इसका जो सिक्रीशन होता है उसमें पाया जाता है। इसको ब्रूनर्स इसलिए रखा था इसका नाम क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था, स्विस एनाटॉमिस्ट थे जो कि, उनका नाम था J.C. वॉन ब्रूनर।
उसके उनके नाम के ऊपर इसको रखा गया था, जे सी वॉन ब्रूनर तो यहाँ लिखा, ये तो देख ही सकते हैं आप। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, क्वाश्योरकर, एक्जिमा, नाइट ब्लाइंडनेस, सिरोसिस। तो क्वाश्योरकर एक तरह की प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होती है, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं अंडरवेट, स्टंटेड ग्रोथ, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, लॉस ऑफ एपिटाइट, एनीमिया, प्रोट्रूडिंग बेली, फिर उसके बाद स्लेंडर लेग्स पाए जाते हैं, बल्जिंग आईज उनमें आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो इसमें जो इंसान होता है वो डिम लाइट में और जो नाइट की रोशनी होती है मतलब हल्की सी जो मून लाइट होता है उसको नहीं देख सकता, उसके अंदर बिल्कुल नहीं देख सकता, और ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। एक्जिमा एक तरह की कॉमन ईची स्किन डिजीज होती है जो कि जिसके अंदर खुजली आती है स्किन पर हम कह सकते हैं, और कैरेक्टराइज रहती है रेडनिंग और वेसिकल फॉर्मेशन से। सिरोसिस की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लिवर होता है उसके ही सेल्स में जो इंजर्ड और डेथ सेल्स, डेथ हुई हुई सेल्स हैं, उन सेल्स के ऊपर कुछ इंटरलेसिंग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू को प्रोड्यूस करता है जो कि नोड्यूल्स होते हैं एक तरह से रीजनरेटिंग सेल्स के, तो ये सिरोसिस होता है। लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ इज ऑस्टियोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट या फिर अमीलोब्लास्ट। तो सही आंसर डी ऑप्शन होगा, अमीलोब्लास्ट। टूथ जो होता है मेनली आइवरी कह सकते हैं उससे बना होता है, जैसे आइवरी जैसे सब्सटेंस से बना होता है, आइवरी तो नहीं कहना चाहिए, तो उन्हें डेंटाइन कहा जाता है। और जो क्राउन पार्ट होता है टूथ का, वहाँ जो डेंटाइन होता है वो कवर्ड रहता है इनेमल से, और इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी के अंदर। इनेमल स्मूथ होता है और रिच होता है मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम, और स्पेशली वो एपेटाइट होता है और सिक्रीट होता है बाय द सेल्स ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन जिन्हें अमीलोब्लास्ट कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन था, ठीक है, अमीलोब्लास्ट। उसके बाद क्या होता है, जो अमीलोब्लास्ट होते हैं वो ओरल एपिथीलियम के यहाँ पर हम उन पर फोकस कर रहे हैं, और वो प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइंग डेंटिन, डेंटाइन जो होते हैं टूथ के, जो जस्ट उसके नीचे वाली लेयर थी डेंटाइन नाम की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो पल्प कैविटी होती है टूथ की वो भी लाइंड होती है डेंटाइन से, जो कि फॉर्म करती है सेल्स को जिनको हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। तो ये सारे यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो सही आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसके बारे में यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, उसका दूसरा नाम होता है साइनेको अल्बामिन, और ये एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम कह सकते हैं विटामिन B12 जो है उसी की बात कर रहे हैं हम, कि उससे मैच्योरेशन होता है इरिथ्रोसाइट्स। और विटामिन B12 मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ नेचुरल सोर्सेज में हो पाता है जिनके अंदर एनिमल ओरिजिन होता है। और विटामिन B12 फंक्शन एक तरह से ऐसा भी करता है कि वो कोएंजाइम की तरह स्ट्रक्चर है उसका, तो उस तरह एक्ट करता है। एक बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिसमें से एक ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जहां होता है और सिंथेसिस ऑफ DNA जहां होता है वहां मेनली वो देखने को मिलता है। साथ में ये कंजक्शन विद फॉलिक एसिड शो करता है, फॉलिक एसिड के साथ जुड़कर ये सिंथेसिस करता है अमीनो एसिड मिथियोनिन का, और ये रिक्वायर्ड होता है, जो मिथियोनिन रहता है ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। विटामिन ए की भी यहां बात की जाए तो वो मेंटेनेंस करता है एपिथीलिया ग्रोथ का, और एक पार्ट होता है विजुअल पिगमेंट्स का। विटामिन सी रोल प्ले करता है कोलेजन के फॉर्मेशन में। विटामिन डी फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस को बाय इंटेस्टाइन, और उनका रिटेंशन बॉडी के अंदर और डिपोजिशन बोन्स के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, तो सही आंसर यहाँ पर जो था वो ए ऑप्शन ही था, विटामिन B12, जिसको हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 60th में। तो 60th है, इन वर्टिब्रेट्स लैक्टियल्स आर फाउंड इन, कहाँ लैक्टियल्स पाए जाते हैं, ईसोफेगस, ईलियम, ईयर या फिर इसियम। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ईलियम। ईलियम जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ईलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यहाँ म्यूकोसा प्रेजेंट होती है जो कि जिसमें स्मॉलर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। विलाय के अंदर माइन्यूट ब्लाइंड एंडेड लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि लैक्टियल्स होते हैं, और ये जो लैक्टियल्स होते हैं ये लिपोप्रोटीन जो होता है काइलोमाइक्रॉन्स उसको ब्लड के अंदर पहुँचा देते हैं। अब ये जो लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब आते हैं तो ये एक डक्ट के थ्रू आते हैं जिसे थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ईलियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 61 में स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन साइड द गट। गट के अंदर वाले बैक्टीरिया कौन से विटामिन बना सकते हैं, डी, B1, K या फिर C। तो सी ऑप्शन यहाँ पर फिर सही हो जाएगा, B1, क्योंकि विटामिन B1 ही एक ऐसा है जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बनाते हैं गट के अंदर, और ये एविडेंस है कि जो विटामिन बी डेफिशिएंसी होती है वो इसलिए होती है, विटामिन बी डेफिशिएंसी अकर्स ऑन टेकिंग एंटीबायोटिक्स हम कह सकते हैं, और साथ में ये एडिशन करती है किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया का, जिसमें ये यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं जो विटामिन B1 के थ्रू बने थे वो भी किल हो जाते हैं।
तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि विटामिन जो B1 होता है वो बैक्टीरिया बनाते हैं गट के अंदर, और एंटीबायोटिक खाने से गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही वहाँ पर किल हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते 62, इफ़ पेनक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इज, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या ऑल ऑफ दीज। अगर पेनक्रिया को रिमूव कर दिया जाए तो कौन सा यहाँ पर अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पेनक्रियाज बहुत मेजर रोल प्ले यहाँ पर करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जो कि सारे ही फूड्स पर करीब करीब एक्ट करता है। इस जूस के अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ट्रिप्सिनोजन रहता है जो काइमोट्रिप्सिनोजन रहता है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो डाइजेशन करता है फैट्स का, न्यूक्लियस जो होता है वो डाइजेशन करता है न्यूक्लिक एसिड का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, इन सब में से कॉमन क्या है, दीज आर प्रोड्यूस इन स्टमक, दीज एक्ट एट पीएच लोअर देन 7, दीज ऑल आर प्रोटीन, दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन है, अमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन सारी एंजाइम्स होते हैं और सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन्स सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 64 में स्टेटमेंट है यहाँ पर, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर, एंजाइम सबस्ट्रेट का सही पेयर है कार्बोहाइड्रेट लाइपेज, माल्टेज लैक्टोज, रेनिन कैसिन, प्रोटीन अमाइलेज, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, रेनिन कैसिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि कैसिन जो एक मिल्क प्रोटीन होता है उस पर एक्ट करता है, ये सिक्रीटेड रेनिन जो होता है वो सिक्रीटेड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक इनएक्टिव फॉर्म में जिसे प्रो रेनिन कहा जाता है, जो कि HCl एक्टिवेट कर देता है, तो जब प्रो रेनिन के ऊपर HCl आएगा तो वो रेनिन बन जाएगा। रेनिन जो होता है फिर उसके बाद कैसिन जन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर बदल देता है जब वहां पर कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस होती है तब, फिर उसके बाद वो इंश्योर करता है जो मिल्क है स्टमक में बच गया है जो, तो वो जितनी लंबे टाइम है वहां पर रह पाए। फिर जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनिन रहता है वो पाया जाता है स्टमक ऑफ यंग मैमल्स के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में सबसे ज्यादा रेनिन पाया जाता है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज और प्रोटीन होता है इनके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेज माल्टेज और प्रोटीज वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें थी यहां पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने बाकी के तीन दूसरे वालों के लिए डिस्कस करें, लाइपेज, लैक्टोज और अमाइलेज वाले, तो ये वाले गलत थे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टो से लिंक होना चाहिए था, प्रोटीन जो है वो प्रोटीज से लिंक होना चाहिए था, और वहीं जो लास्ट वाला था माल्टोज वो माल्टेज से लिंक होना चाहिए था, तो सॉरी मैंने गलत कह दिया, कार्बोहाइड्रेट जो था वो कार्बोहाइड्रेट से, माल्टोज जो था वो माल्टेज से, और प्रोटीन जो था प्रोटीज से लिंक होना था, तो यहाँ जो सही पेयर था वो रेनिन और कैसिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 में स्टेटमेंट है, पेलेग्रा एक डिजीज है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, फॉलिक एसिड, किससे होती है, तो ये ऑप्शन सही है नायसिन। नायसिन का दूसरा नाम होता है निकोटिनिक एसिड, ये एक विटामिन होता है जो कि एक्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम जो कि NAD और NADP होते हैं। फिर ये सर्व करता है एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स और या फिर डोनर की तरफ और मेनी एंजाइम्स। इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो पेलेग्रा नाम की प्रॉब्लम होती है जो कि जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं डर्माटाइटिस, जिसमें स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, नर्वस डिसऑर्डर। फिर अगर हम दूसरों को भी यहाँ पर डिस्कस करें तो जो डेफिशिएंसी होती है टोकोफेरॉल की, टोकोफेरॉल का दूसरा नाम होता है विटामिन ई, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है राइबोफ्लेविन की जिसको विटामिन B2 कहा जाता है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज हो जाती है, सोर्स होते हैं लिप्स के ऊपर और स्किन डिजीजेस होती हैं। वहीं अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया होता है, फेलियर हो जाता है RBCs का जो कि वो मैच्योर नहीं हो पाते, इस वजह से उनका फेलियर वहां देखने को मिलता है, तो ये वाली चीजें यहां पर। हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो यूज करें घी, बटर ऑयल्स, ग्राउंड नट ऑयल, मार्जरीन, वेजिटेबल ऑयल्स, फैटी ऑयल एंड बटर या फिर चीज, डालडा और घी। तो अब ये जो इस तरह के हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो चीज दी जाती है वो बी ऑप्शन यहाँ सही है, ग्राउंड नट ऑयल उन्हें दिया जाता है, मार्जरीन उन्हें दिया जाता है और वेजिटेबल ऑयल्स उन्हें दिया जाते हैं, तो ये वाली चीज यहाँ पर हो गई। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक फैट लाइक मटेरियल होता है जो कि स्टेरॉल होता है बेसिकली, और वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और जितने भी टिश्यूज होते हैं स्पेशली नर्वस टिश्यू वहां पर भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो सिंथेसाइज होता है बॉडी में फ्रॉम एसीटेट जो कि मेनली लिवर बनाता है, और जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो नॉर्मली 140 से 140 से 300 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, तो ये एक नॉर्मल ब्लड का कंसेंट्रेशन होता है जो होना चाहिए, तो इस तरह से वो रहता है। इट कैन एग्जिस्ट एज अ फ्री स्टेरॉल, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं वो फ्री स्टेरॉल की तरह भी रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वो एस्टेरिफाइड होकर रह सकता है एक लॉन्ग चेन बनाकर फैटी एसिड की, या तो फ्री बनकर रहेगा या वो एक लॉन्ग चेन बना लेगा। जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्मफुल रहता है बॉडी के लिए, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल तो रहना चाहिए लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं उन्हें ग्राउंड नट ऑयल, मार्जरीन, वेजिटेबल ऑयल्स ये सारी चीज़ें खाने को कहा जाता है,
क्योंकि इनके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर लेस कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसलिए उन्हें ये वाली चीज़ें खानी होती है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1। तो ए ऑप्शन सही है, हीमोरेजिक डिजीज विटामिन के की वजह से होती है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। और अगर हीमोरेजिक डिजीज का मतलब देखा जाए तो इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और विटामिन के जो होता है वो एक तरह का एंटी हीमोरेजिक फैक्टर होता है जो कि ये वाली चीज़ों को प्रॉब्लम से रोकता है, और ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर होने की प्रॉब्लम हो जाती है न्यू बॉर्न्स के अंदर, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ पॉलीसेक्राइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल्स इज अराबिनोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोज। इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कि लिवर सेल्स में स्टोर्ड रहता है? तो बी ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन, क्योंकि जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो करीब करीब सभी सिंथेसाइज और स्टोर होते हैं लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और फिर उसके बाद ये इसमें एक नीड होती है कि जब एनर्जी लगती है बॉडी को तो ये जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर करा था वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, फिर वो ब्लड के अंदर आ जाता है और जो भी टारगेट सेल है वहाँ तक पहुँच जाता है और एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट करते हैं स्कर्वी, रिकेट्स, एंटीबॉडी सिंथेसिस, पेलेग्रा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्कर्वी सही आंसर है यहाँ पर। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलती है, स्वॉलन जॉइंट्स हो जाते हैं, डिक्रीज रेजिस्टेंस हो जाता है कॉमन कोल्ड को लेकर, छोटे छोटे सर्दी जो जुकाम होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, और ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और वो एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज, और जो इंटीग्रिटी होती है सेल की उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ये एसेंशियल इसलिए भी होता है क्योंकि कोलेजन का सिंथेसिस करता है। रिकेट्स और पेलेग्रा को भी अगर डिस्कस किया जाए तो वो विटामिन डी और विटामिन B3 की डेफिशिएंसीज होते हैं। डी वाला रिकेट्स है और पेलेग्रा जो है B3 की डेफिशिएंसी वाला है, और एंटीबॉडी सिंथेसिस तो यहाँ से रिलेटेड नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी जो होती है बॉडी में वो क्यों होती है, विटामिन सी, बी, डी या फिर ई की वजह से? तो सही आंसर है बी, विटामिन डी की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बोन्स और टीथ के लिए, और ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन में जो करीब करीब 10 mg/100 ml होता है, और ये मेंटेन्ड होता है इस लेवल पे कुछ हार्मोन्स के थ्रू। पहला हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन और दूसरा हार्मोन होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इन्हेंस किया जाता है विटामिन डी के थ्रू, इसीलिए अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की तो इसकी वजह से जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है वो हैम्पर होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की प्रॉब्लम वहां होने लगती है। तो जो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की ब्लड में उसकी वजह से एक और चीज़ हो सकती है जिसको टिटेनी कहा जाता है, TETANY। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है टिटेनी के बारे में, जब हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन अलग से करूँगी टिटेनी को।